हम क्या सोच रहे थे, आजकल धंधा मंदा है, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। बाबा जी के पास भी गए थे तो बोले किसी बुरी आत्मा की नजर है। समाधान हमने मांगा तो बाबा जी ने कहा कि समाधान के लिए दिल्ली जाओ और वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलो, वे सही समाधान बताएंगे। हम बोले, हैं? आपका ध्यान किधर है? चाची की चाय की दुकान इधर है। दिन भर की थकान, टेंशन, परेशानी को कर दे बाय बाय। आओ पी लो चाची की चाय। चाय ना रहेगा कोई भय ना कोई डर, ऐसे ही होता है चाची की चाय का असर। क्या सोच रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या हम? क्या हम, अरे नहीं, हम तो थोड़ा क्रिएटिव सोच रहे हैं, बिजली विभाग की तरह। हाँ, अब आपको मिलाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की लाट्रोप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, जो अपने ट्विटर अकाउंट पर हिंदी में लिखते हैं, भारतीय कवियों की रचनाओं को शेयर करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि पर उनकी एक रचना को उन्होंने खुद अपनी आवाज में ट्विटर पर साझा की है। जो कविता मैं आज सुनाना चाहता हूँ वो लाइफ के बारे में है, वो जीवन के बारे में है, जिसमें कवि कहते हैं कि जीवन की ही जय है, जीवन की ही जय है। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीव की जड़ जमा रहा है, नित नव वैभव कमा रहा है, ये आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। ये आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। नया जन्म ही जग पाता है, मरण मूर्छा रह जाता है, एक बीज 100 उपजाता है। सृष्टा बड़ा सदय है, सृष्टा बड़ा सदय है, जीवन की ही जय है। जीवन पर 100 बार मरूं मैं, जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या इस धन को गाढ़ धरूं मैं? यदि न उचित उपयोग करूं मैं तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय है। मूर्छा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। मूर्छा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ये गाना गाने के लिए तो सही है, पर ठंड में तो अगर किसी ने ठंडे पानी से नहाने की बात भी कर दी तो मानो कत्ल पक्का है। मतलब हमारे हिसाब से ठंड ही तो एकमात्र मौसम है जहां हम जैसे लोग पानी की बचत कर सकते हैं गर्मियों के लिए। आपसे हम पूछें कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार भरा रिश्ता किसका होता है, तो आप क्या कहेंगे, माँ बेटे का या फिर बाप और बेटी का? नहीं तो आप बोलेंगे पति और पत्नी का। थोड़ी सी नोकझोंक हटा दे तो हाय, हमारे बीच तो बहुत ही प्यार है। या फिर किसका नाम लेंगे आप, भाई बहन का? जो भी नाम ले आप, लेकिन क्या आप सास बहू का नाम लेंगे? चौंक गए। जी हाँ, ये रिश्ता तो प्यार का रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है। आजकल कैसी कैसी चीजों की रखवाली की जा रही है, ये तो आप जानते ही होंगे ना। अरे आजकल बैंक से ज्यादा तो रखवाली खेतों की करनी पड़ रही है, और जहां पर प्याज हो बाबा रे बाबा, फिर तो रात रात जाग कर किसान अपने खेतों की रखवाली करते हैं। लेकिन 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 आपको रात भर जागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए किसी ने बना दिया है ये। चलिए अब आपको ले चलते हैं रायसेन। यहाँ के एक किसान ने ऐसा हूटर बनाया है जिससे फसलों की रखवाली की जा सकती है। जब ये आवाज आपके कानों में पहुंचेगी तो आप क्या करेंगे? कानों को चुभने वाली ये आवाज वैसे तो लोगों को इरिटेट करती है, लेकिन अब ये आवाज काम आने वाली है, क्योंकि अब खेतों से भाग जाएंगे जानवर, क्योंकि अब बजेगा खेतों में। अब खेतों में चौकीदार नहीं बल्कि खेतों की रखवाली करेगा। आप किसान हैं और अगर आप खेतों में फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वो भी प्याज के बढ़ते हुए दाम देखकर, फिर आपकी ये चिंता समझिए खत्म हो गई। जी हाँ, किसानों और खास कर प्याज के किसानों को अब होममेड हूटर से खेतों की रखवाली करना आसान हो गया है।
फसलों की रखवाली के लिए 24 घंटे खेतों पर पहरा देने के बजाय किसान अब आराम से रह सकते हैं, वरना पहले तो क्या हाल थे आपको तो पता था ना। तो आपको बता दें कि रायसेन में इन दिनों यही हूटर चर्चा का विषय है। इस हूटर का निर्माण शहर के बुजुर्ग तत्तू भाई टिस्ट वालों ने किया है। जुगाड़ से ऐसा हूटर बना है जो खेत पर रख दीजिए तो किसी भी जंगली या पालतू जानवर के खेत में घुसना या किसी इंसान के खेत में घुसने से हूटर बजने लगता है। साथ ही खेत मालिक के मोबाइल पर भी घंटी बजने लगती है, जिससे गहरी नींद सो रहा किसान भी जाग जाता है। ये हूटर 50 फीट के दायरे तक काम करता है। जैसे कोई भी आदमी या कोई जानवर इसके 50 फीट की दूरी से निकलेगा तो ये चिल्लाना शुरू कर देता है। हूटर बनाने वाले शफी मोहम्मद तत्तू भाई की माने तो ये मशीन बहुत काम की है। फिलहाल अभी इन्होंने इस मशीन का पेटेंट नहीं कराया है। बेहद सस्ता होने से किसानों में लोकप्रियता भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब आपके प्याज की फसल चोरों की नजर के बीच में होगा। भाई किसी ने सही कहा है कि कौन किससे कैसे कहां कब मिलता है ये सब ऊपर से लिखा होता है। एमपी अजब है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन एमपी की शादी भी गजब होती है। एमपी के भिंड में एक शादी इन दिनों बहुत ही चर्चा में है। अब चर्चा में क्यों है ये शादी वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। चलिए अब वक्त हो गया है चाची के जाने का, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।